और ये जो नुस्खा है ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बाबा सिर की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही कॉमन होती है और लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा खा के परेशान रहते हैं, उनका जो ये प्रॉब्लम होता है ये ख़त्म नहीं होता है। तो उनको अगर हेल्प मिलेगी आप उन्हें ये वीडियो अगर शेयर कर देते हैं तो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइल्स का इलाज बताने वाली हूँ, जिसे बाबा सिर भी बोलते हैं, भगंदर या फिशर। ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं एकदम सिंपल सा नुस्खा लेकर आई हूँ, अगर इसे आप 2 से 3 दिन तक कर लेंगे तो जो आपकी पाइल्स है एकदम गायब हो जाएगी। ये एक बहुत ही रामबाण नुस्खा है और इसे करने के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, केवल हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ईजिली घर में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस नुस्खे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 केला और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा कपूर। कपूर मार्केट में 2 तरह के अवेलेबल होते हैं, एक होता है इस तरीके का पूजा वाला कपूर जो होता है, और एक होता है जिसे हम देसी कपूर भी बोलते हैं। तो आप ये दोनों में से कोई भी कपूर ले सकते हैं, लेकिन इस कपूर को लेने का जो अंतर है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो हमारा नुस्खा है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ नुस्खा है। इसमें हमें 1 केले की ज़रूरत होगी और कपूर की ज़रूरत होगी। केले को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास आधा केला भी है तब भी ये चलेगा। इस नुस्खे को लेने के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने खुद ट्राई किया है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, एकदम 100% वर्किंग है। उन्हें भी किसी ने बताया था तो बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस नुस्खे को शेयर किया जाए। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो क्वांटिटी है वो हमें 1 दाना लेनी है देसी कपूर की। अगर आपको देसी कपूर नहीं मिलता है, आपको ये पूजा वाला कपूर ही मिलता है, तो इसमें टिकिया आती हैं, तो इस तरीके की टिकिया होती हैं, तो हमें 1 दिन में 1 टिकिया लेनी है। मेरे हस्बैंड ने ये वाला कपूर ही लिया था, तो इसे अब यूज़ कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 1 पीस लेना है केले का और इस तरीके से कपूर को इसमें हमें डाल देना है, इस तरीके से दबा देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, केले के अंदर डालकर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो कपूर होता है बहुत ही ज़्यादा ये कड़वा होता है, जिसे आप खा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बस इतना हमें केले में डालकर निगल लेना है और खाना इसे खाली पेट है। आप देखेंगे 1 दिन में 1 बार इसे हमें करना है सुबह खाली पेट। ऐसा आप 2 से 3 दिन करेंगे, आपका जो बाबा सिर है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बाबा सिर अगर आपको है तो पूरी तरीके से आपको अपनी बॉडी में कब्ज नहीं होने देना है। तेल मसाला पनीर दूध ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ब्रेड वगैरह मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी। अगर हो सके तो नाश्ते में आप पपीता लीजिए। जो पपीता होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल भी कब्ज नहीं बनने देता है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो डेली सुबह पपीता खाते हैं और उसके बाद ही कोई भी चीज़ खाते हैं। अगर आप डेली सुबह पपीता खाने लगेंगे अपनी डाइट में नाश्ता करने से पहले, तो आपको कब्ज की जो शिकायत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो पपीता है वो कब्ज नहीं बनने देता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में आप फ्रूट और सलाद वगैरह अच्छे से ऐड करें। पानी का इनटेक आप बढ़ा दें। कपूर को आप खाने के साथ साथ लगा भी सकते हैं, ये दोनों ही तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे लगाएंगे भी तो जो पाइल्स वाली जगह पर जलन होती है और दर्द होता है वो काफ़ी हद तक घट जाता है इससे। इसके लिए हमें यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप थोड़ा सा नारियल तेल ले लीजिए और इसका जो है पाउडर बना लीजिए। नारियल तेल में आप कपूर को मिला लीजिए हल्का सा गर्म करके और उसे आप अप्लाई कीजिए, तो जो पाइल्स की जगह होती है वहाँ पर जलन वगैरह नहीं होगी और दर्द भी नहीं होगा। और एक बात का और ये ध्यान रखें कि जिस वक्त पे आपको बाबा सिर हो रखा है, आप ट्राई करें कि कम से कम खाना खाएं, ताकि आपको बार बार फ्रेश ना होना पड़े। जितनी बार आप फ्रेश होंगे उतना ज़्यादा आपको दर्द होगा, तो आप अवॉइड करिए खाने को, थोड़ा सा कम खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि केला हमें पका हुआ ही लेना है, कच्चा केला बिल्कुल ना लें। सो फ्रेंड्स, आप जो भी दवाइयाँ वगैरह भी अगर खा रहे हैं उसके साथ भी इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं।